हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है चिकन फ्राइड राइस। तो सबसे पहले चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हम चावल बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 कप पानी को बॉयल कर लिया है, उसमें 1 कप बासमती चावल डाल देंगे और 1 चम्मच नमक। और इसे हम चावल को 90% तक ही कुक करेंगे, पूरा इसे नहीं पकाएंगे। उसके बाद हम लेंगे 1/2 कप चिकन। चिकन को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करके एक साइड में हम रख देंगे। नेक्स्ट एक बॉल में हम 2 अंडा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन गरम करेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। उसमें हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसे डाल के अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ये अच्छे से पक जाता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। उसी पैन में हम 1/2 चम्मच और तेल डालेंगे। अब हमने जो अंडा बीट किया था वो डाल देंगे और इसे इसी तरह से चलाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में जब तक टूट जाए और अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फ्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए अंडा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1/2 चम्मच लहसुन और 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। सब चीज़ हम इसमें हाई फ्लेम पे ही करेंगे। उसके बाद हम सब्जियां डालेंगे। जहां मैंने लिया है 1/2 कप गाजर, 1/2 कप कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 1/2 कप बंधा गोभी। आप यहां अपने पसंद की कोई भी सब्जी जैसे कि मटर, बीन्स वगैरह डाल सकते हैं। सब्जियों को भी हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी लो या मीडियम फ्लेम पे हम इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये क्रंच नहीं रहेगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है फ्राइड राइस का। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच वेनेगर यानी कि सिरका, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। और हमने जो चावल तैयार किया था वो डाल देंगे। आप इसमें अपने रात का या सुबह का बचा हुआ चावल भी दे के बना सकते हैं। उसके बाद अच्छे से हम इसे हाई फ्लेम पे मिक्स कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम और हमने जो अंडा फ्राई किया हुआ था वो डाल देंगे। अच्छे से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और 1 मिनट तक बस इसी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस तैयार है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है और लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।